स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। तो बच्चों, आपको पता ही है कि पिछली कक्षा में हमने आपकी पुस्तक का पेज नंबर 10, पाठ नंबर 2, सोने की कुल्हाड़ी की रीडिंग की थी। आज हम इससे रिलेटेड इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और वाक्य बनाएंगे। तो चलिए इसका पेज नंबर 12 निकालिए। तो बेटा, आपके पेज नंबर 12 पर नीचे शब्द ज्ञान में वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, यानी शब्द अर्थ दिए गए हैं। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट वर्ड है लकड़हारा। लकड़हारा किसे कहते हैं? लकड़ी काटने वाला। इसका वाक्य बनेगा, लकड़हारा लकड़ी काटने वाले को कहते हैं। आप इसका यह सिंपल सा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो चलिए सेकंड देखिए, परिश्रमी। परिश्रमी की स्पेलिंग देखिए, प र को छोटी ई, श्र म को बड़ी ई। परिश्रमी मीन्स मेहनती। और इसका वाक्य है, रमेश परिश्रमी लड़का है। तो नेक्स्ट देखिए, अदृश्य। अ द के पैर मेरी आधा श य अदृश्य। अदृश्य यानी गायब। तो इसका सेंटेंस बनेगा, चूहा बिल्ली को देखकर अदृश्य हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। प के पैर में पदेन, त को बड़ी ई, क्ष को आ, प्रतीक्षा। तो इसका वाक्य बनेगा, मेरी माताजी घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो चलिए आगे हम मुख्य प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। पेज नंबर 13, मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक का मीनिंग होता है ओरली डिस्कशन। इसको हम ओरली डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी लालच किया है? तो बेटा, सभी व्यक्तियों में अपने अपने गुण होते हैं। कोई व्यक्ति लालच करता है, कोई नहीं करता। कोई कभी कभी करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। तो आपने अपने गुण के हिसाब से इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने कभी झूठ बोला है? सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा, झूठ भी हर किसी का अपना अपना गुण है। कोई झूठ बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अपने गुण के हिसाब से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप लकड़हारे के पड़ोसी की जगह होते तो क्या करते? बच्चों, इस स्टोरी में लकड़हारे के पड़ोसी ने लालच किया था। तो बेटा, कोई लालच करता है, कोई नहीं करता है। ये सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। इसलिए आपने भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली इसका आंसर देना है। तो चलिए अब लिखित प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। लिखित का मतलब है लिखने वाले। तो बेटा, जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं तो हम इनके फुल आंसर्स लिखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार लकड़हारा कहाँ रहता था? सेकंड क्वेश्चन है, ईमानदार लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? थर्ड देखिए, जलपरी लालची लकड़हारे से क्या कहकर पानी में वापस चली गई? फोर्थ देखिए, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर ईमानदार लकड़हारा क्या बोला? बच्चों, आपने ये स्टोरी तो पढ़ी ही है। आप सबने इनके आंसर स्टोरी के आधार पर देने हैं। तो चलिए अब हम दीर्घ प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर वो होते हैं जिसे हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका उत्तर हम विस्तार से देते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं,
आप सबने इसके फुल फुल आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, जलपरी ईमानदार लकड़हारे के लिए कितनी और कौन कौन सी कुल्हाड़ी लाई? तो बेटा इसका फुल आंसर आएगा, जलपरी ईमानदार लकड़हारे के लिए 3 सोने चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां लाई। सेकंड देखिए, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, हमने स्टोरी के लास्ट में इस बारे में चर्चा की थी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए या ईमानदारी और परिश्रम का फल मीठा होता है। ईमानदारी के स्पेलिंग देखिए, बड़ी ई म को आ न द को आ र को बड़ी ई, ईमानदारी। परिश्रमी प र को छोटी ई श्र म को बड़ी ई, परिश्रमी। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 है, कौन बोला, यानी यह शब्द या यह वाक्य किसने कहे? तो इसका फर्स्ट देखिए, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो बेटा आपने तो स्टोरी पढ़ी है, तो इसका आंसर आएगा जलपरी ने। इसी प्रकार आपने इस प्रश्न के बाकी उत्तर खुद करने हैं। इसका सेकंड है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। थर्ड है, जल्दी आना मैं यहीं बैठा हूं। फोर्थ है, तुम झूठे और लालची आदमी हो। तो चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 4। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, रिक्त स्थान होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको दो दो शब्द भरने के लिए दिए गए हैं, आपने स्टोरी के अनुसार सही शब्द भरने हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, किसी गांव में एक डैश रहता था, लकड़हारा या मिठाई वाला? तो इसका आंसर क्या आएगा, लकड़हारा। लकड़हारों को आप नीचे जिगजैग करोगे और इसको ब्लैंक में फिल करोगे। इसी प्रकार आपने बाकी फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करने हैं। इसका सेकंड है, उसकी कुल्हाड़ी डैश में गिर गई, नदी में या सागर में? थर्ड है, यह एक डैश नदी के पानी से बाहर निकली, परी या जल परी? फोर्थ है, दूसरा लकड़हारा डैश था, ईमानदार या लालची? तो चलिए अब भाषा ज्ञान में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए एक वचन से बहुवचन बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके आपने एक से बहुवचन बनाने हैं, यानी वन से मैनी करना है। तो देखिए, नंबर 1 पे दिया है जल परी, तो इसका अगर आप ज्यादा बनाओगे तो बनेगा जल परियां। तो बेटा, जब भी हम एक से ज्यादा बनाते हैं तो बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा जल प र को छोटी ई य को आ ऊपर चांद बिंदु, जल परियां। तो बेटा इसी प्रकार कुछ शब्दों के बहुवचन आपने खुद बनाने हैं, जैसे कि सेकंड है लकड़ी, थर्ड है नदी, फोर्थ है रोटी, फिफ्थ है कुल्हाड़ी, सिक्स्थ है डुबकी। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, यानी अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द वह शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, पर उन शब्दों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है हार, हार के दो अर्थ निकलते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे कि इसको मैं आपको एक सेंटेंसेस के तौर पे समझाती हूँ। नंबर 1 है, खिलाड़ी मैच हार गए। यहाँ पर हारना, हार का एक अलग मीनिंग है। सेकंड देखिए, भगवान को फूलों का हार चढ़ाओ। हाँ, इसमें हार का मीनिंग है माला। तो इस प्रकार हार के दो अलग अलग मीनिंग्स हो गए, एक हारना, दूसरा माला। इसी प्रकार
नीचे कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, जैसे कि नंबर सेकंड है कर। तो बेटा एक कर हम अपने हाथ को कहते हैं और दूसरा कर वह होता है जैसे हाउस टैक्स, आपके मम्मी पापा हाउस टैक्स देते हैं ना, उस टैक्स को बोलते हैं कर। एक आ गया हाथ, दूसरा आ गया टैक्स। थर्ड है फल। तो बेटा एक फल खाने की चीज होता है, एक फल होता है परिणाम, जैसे कि आपका कोई रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं परिणाम। फोर्थ है बस। बस एक यातायात का साधन भी है और बस का मीनिंग खत्म भी होता है, यानी फिनिश। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, पाठ से आए अनुनासिक यानी चांद बिंदु लगे शब्द शांत कर लिखिए। तो बेटा पहले हम ये समझेंगे कि अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों को बोलते समय हमारे नाक और मुंह से आवाज निकले उसे हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। इनको लिखते समय हम चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चांदी, च को आ ऊपर चांद बिंदु, द को बड़ी ई चांदी। इसी प्रकार आपके लेसन में चांद बिंदु वाले कुछ वर्ड्स आए हैं जिनको ढूंढकर आपने यहाँ पर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर फोर, सही उच्चारण कीजिए और दो शब्द और लिखिए। फर्स्ट अक्षर है आधा त और पूरा त। बेटा इन शब्दों को या इन अक्षरों को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जिसमें दो अक्षर एक जैसे होते हैं परंतु पहले अक्षर की ध्वनि आधी होती है, इसलिए हम इसे आधा लिखते हैं और दूसरा अक्षर पूरा आता है, जैसे कि प आधा त, त को आ पत्ता। तो बोलते वक्त ये पहले अक्षर के साथ और लिखते वक्त ये दूसरे अक्षर के साथ आता है। इसी प्रकार इसके दो और शब्द बनेंगे गत्ता छत्ता। सेकंड नंबर पे है आधा च और पूरा च, बच्चा आधा क और पूरा क पक्का। इसी प्रकार यहाँ पर द्वितीय व्यंजनों के कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनके दो दो और शब्द खुद बनाने हैं। तो बच्चों आपने आज के सेशन में जाना कि बैक एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर को और लिखित प्रश्न उत्तरों को। आप सबने सुंदर लिखाई में इन प्रश्न उत्तरों और बाकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। अर्थ वाक्यों को आपने अपनी कॉपी पर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बड़ों की मदद से सॉल्व करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।